Hello everyone, welcome to the session. I hope you all are fine. So आज का हम इस टॉपिक को बात करेंगे कि FMCG के रिलेटेड एफिशिएंट FMCG स्पीड बिलिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट. जी आपको पता है कि FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सो एक बड़ा इंडस्ट्री है, तो ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो हर रोज इसका डिमांड ज़्यादा रहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी ज़्यादा रहता है. फिर इस तरीके से अगर हमारा कोई इंडस्ट्री है तो उसमें कैसे बिजी सॉफ्टवेयर को हम इम्प्लीमेंट करके एक बड़े लेवल पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स टू मैनेजिंग यूर बिलिंग इन्वेंट्री एंड GST इन FMCG बिजनेस, डोंट वरी, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू. इन बिजी यू कैन ईजिली मैनेज यूर बिलिंग, इन्वेंटरी, GST एंड अदर टास्क. ऐसा कुछ चैलेंजेस आपका इंडस्ट्री में अगर आप फेस करा होगा कि हाउ डू आई स्पीड ऑफ माई बिलिंग. जैसे कि आपका जो इंडस्ट्री है FMCG का रिटेल स्टोर है, तो उस पर आपको स्पीड बिलिंग का रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी में. देखिए सॉल्यूशन यह है कि वी हैव अ POS फीचर, पॉइंट ऑफ सेल फीचर, टू मैनेज ईजी एंड फास्ट बिलिंग विथ पेमेंट सेटलमेंट डिटेल्स. ऑल राइट, पेमेंट सेटलमेंट डिटेल्स आपको होते हैं. ऑल राइट, हाउ टू मेंटेन बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट वाइज स्टॉक डिटेल्स. जैसे कि आपको ये रिक्वायर होती है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसा है उसको एक्सपायर होती है कुछ दिन के बाद, तो उसका अलर्ट मिलना चाहिए. जैसे कि आपको उसका अलर्ट नहीं मिल पाता है तो फिर आप उसको सेल करोगे, दोबारा आपको प्रॉब्लम हो जाता है. कस्टमर आके बोलेगा कि सर आपका ये जो प्रोडक्ट एक्सपायरी हुई है, तो इससे आपका ब्रांड भी ब्रांडनेस भी चला जाता है. तो ये भी हम बिजी में मैनेज कर सकते हैं, बैच वाइज एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट मैनेजमेंट. साथ साथ हाउ टू मेंटेन MRP वाइज स्टॉक डिटेल्स फॉर आइटम्स. MRP हर एक आइटम पे ऊपर रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. जैसे कि एक आइटम ने आपको सेल कर दिया, आज के दिन एक MRP रहता ही है, कुछ दिन के बाद कंपनी ने उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा दिया और प्रोडक्शन कॉस्ट उनका बढ़ा हो गया, मतलब इंक्रीज हो गई, तो इस तरीके से उसका MRP भी बढ़ा इंक्रीज हो जाता है. फिर कंपनी ने क्या करेगा, उसका MRP बढ़ा इंक्रीज कर देगा. तो फिर आपके पास दो आइटम आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, यहाँ पर एक ही आइटम के ऊपर दो दो MRP को मैनेज कर सकते हैं. In Busy, we have a MRP-wise stock details feature to manage multiple MRP item stocks. All right. How to track the excess and shortage of item stock? जैसे कि आपको पता है हर एक इंडस्ट्री में स्टॉक्स मैनेजमेंट बड़ा काम होता है. आप इंडिविजुअल एक एक स्टॉक करके काउंट नहीं कर पाओगे. जैसे कि आपको एक आइटम है XYZ आइटम, उसका स्टॉक अगर आपको कम रहता है तो फिर आपको दोबारा ऑर्डर डालना पड़ता है. ये चीज आपको समझने के लिए बिजी में ऐसा एक रिपोर्ट होती है, साथ साथ एक वार्निंग मैसेज भी होती है, तो इसको लेके आप उसको दोबारा ऑर्डर कर सकते हैं, एक्सेस क्वांटिटी और शॉर्टेज क्वांटिटी को जान सकते हो. हाउ टू मैनेज मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री. मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री मतलब इसको हम कह सकते हैं मल्टीपल वेयर हाउस मैनेजमेंट, ऐसा भी कह सकता है. तो इंडस्ट्री के अंदर ये जो स्टॉक हम कीप करने के लिए, स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमारे पास जगह नहीं होता है, तो दो तीन गोडाउन होता है इनकेस, तो हर एक गोडाउन के अंदर हम इसको कितना स्टॉक है करके काउंट करने के लिए इस रिपोर्ट आपको यूजफुल होता है. साथ ही साथ आप इस इन्वेंट्री को इनवर्ड आउटवर्ड करते हो तो उस पर्टिकुलर मटेरियल सेंटर और मल्टी गोडाउन से, उस गोडाउन से लेके आप आइटम को सेल कर सकते हो. इन बिजी वी कैन क्रिएट मल्टीपल मटीरियल सेंटर्स एंड मैनेज द इन्वेंट्री. ऑल राइट, सो बेस्ट सोल्यूशन फॉर FMCG. जैसे बिजी में आपको इस तरीके से प्रोविजन दिया गया है, फीचर्स दिया गया है, तो उसको लेके आपका FMCG बिजनेस को आप और तेजी से आगे बढ़ सकते हो. क्या क्या फीचर्स है हम देख लेते हैं. जैसे कि GST के रिलेटेड, GST मतलब आपको एवरी मंथ फाइल करना पड़ता है. सो GST में आपका इनपुट GST, आउटपुट GST, रिटर्न फाइलिंग, सब कुछ बिजी में आपको रिपोर्ट मिलता है. उसका GST पेएबल कितना आप पे करना है गवर्नमेंट को, 3B फाइल करना है अगर GSTR 1 फाइल करना है, उसका रिलेटेड रिपोर्ट आपका CA ऑडिटर्स को देना है. So, सारे काम बिजी में आपको हो जाता है. साथ ही साथ आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक बड़े काम होता है, तो आपका कस्टमर के पास कॉल करके
आप पेमेंट फॉलो अप करने के लिए, उनके पास लेजर स्टेटमेंट भेज के उसके चेक कलेक्ट करने के लिए, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको ये पता चलेगा कि किस पार्टी का किस बिल ड्यू है, बैलेंस अमाउंट कितनी है, उसका कितना दिन हो गई है, एजिंग वाइज भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेल्समैन वाइज रिपोर्टिंग, अगर आपका कंपनी में और आपका बिजनेस में सेल्समैन रहती है, फिर उनका काम होगा कि आपका रेवेन्यू बढ़ाना। वो जाके सेल्स लेके आता है, और सेल्स आने के बाद वो क्या करेगा, आपका वो जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहता है पार्टी का, उसको भी कलेक्ट करके आ जाता है, अगर वो क्रेडिट में परचेस करेगा तब। तो सेल्समैन वाइज आउटस्टैंडिंग हो, सेल्समैन वाइज सेल्स हो, दोनों यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर सेल्समैन वाइज अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है सॉफ्टवेयर से लेके, वो भी आपको जनरेट कर पाओगे। साथ ही साथ आपको कमीशन कैलकुलेशन भी हो जाता है, इनकेस आपका सेल्समैन को कुछ ऐसा आपने अप्रोच किया कि आपने इस मंथ में इतने सेल करोगे तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगे, तो ये भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सेल्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपायरिंग बैचेस, इनकेस आपने कुछ ऐसा FMCG का कुछ प्रोडक्ट के अंदर कुछ फूड आइटम्स रहती है, पेरिशेबल गुड्स रहती है, तो उसका कुछ एक्सपायरी डेट होगा। अगर वो एक्सपायरी डेट खत्म होगा तो सॉफ्टवेयर आपको रिमाइंडर करेगा, मतलब वार्निंग देगा। इसमें आप रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हो। कोटेशन ऑर्डर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, अगर आपका FMCG में बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, तो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चलता है, वहां पे ऑर्डर पहले लेते हो, फिर ऑर्डर के बाद में उस ऑर्डर को सेल्स इनवॉइस के उस इनवॉइस में उसको एडजस्ट कर पाओगे। मल्टीपल ऑर्डर ऑर्डर आपने सिंगल इनवॉइस में एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअल सेल ऑर्डर को इंडिविजुअल सेल्स इनवॉइस में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका पेंडिंग ऑर्डर रहती है एंड ऑफ द डे, तो उस पेंडिंग ऑर्डर को भी आपने रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कितनी पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है, किस पार्टी का है, कौन सी आइटम है, फिर उसको आप अगेन प्रोडक्शन और परचेज करके उसको ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो। कॉन्फिगरेबल इनवॉइस प्रिंटिंग, जैसे आपको इनवॉइस के अंदर लोगो लगाना है, बैंक डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन लगाना है, कुछ ऐसा आपको डिजिटल सिग्नेचर का कुछ आना चाहिए, फिर आपको QR कोड प्रिंट करना है, कुछ भी हो तो बिजी में आप कर सकते हो। बिजी में ये जो ओपन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो। अलग अलग डिजाइन का फॉर्मेट है, A4, A5, हाफ फेज, फुल फेज, साथ ही साथ आपको 3 इंच का पेपर में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो रिटेल सुपरमार्केट में और FMCG इंडस्ट्री में कैसे होता है, छोटा सा प्रिंटर रहती है, थर्मल प्रिंटर, उसमें 3 इंच और 4 इंच का प्रिंट आउट हम लेना पड़ता है, तो ये हम बिजी में इजिली कन्फिगर कर पाएंगे। मेंटेन मल्टीपल यूनिट्स, एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए 2 यूनिट रखनी है, 3 यूनिट रखनी है, हम रख सकते हैं, एक तो मेन यूनिट, दूसरा है मल्टीपल यूनिट और पैकेजिंग यूनिट। जैसे कि आपका FMCG में पार्ले जी है, तो पार्ले जी में आपको पहले यूनिट बॉक्स रखनी है, सेकेंड यूनिट आपको पीस रखनी है। जैसे आपको कुछ और आइटम है उसमें 3 यूनिट चाहिए होता है, पैकेजिंग यूनिट भी आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सो स्कीम एंड डिस्काउंट मैनेजमेंट, आपका कुछ ऐसा फेस्टिवल का सीजन होता है, कुछ ऑफर देना पड़ता है कस्टमर को, कुछ उसको अप्रोच करने के लिए, कस्टमर से आपको बिजनेस ज्यादा जनरेट करने के लिए ये मदद करेगा। इसमें आप क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑफर रख सकते हो कुछ स्पेसिफिक डेट के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से, जैसे बाई वन गेट वन ऑफर, डिस्काउंट का ऑफर, वाउचर, अगर आपने 10,000 का बाई करेंगे फिर आपको 500 रुपीज डिस्काउंट देंगे, नहीं तो एक आइटम टीवी खरीद लेगा तो एक स्पीकर बॉक्स फ्री रहती है। तो ऐसा आपको अलग अलग तरीके से स्कीम आपके हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे डिस्काउंट भी हम अरेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट, क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट, पार्टी वाइज डिस्काउंट्स, आइटम वाइज डिस्काउंट्स, तो अलग अलग तरीके से हम डिस्काउंट्स भी सेटअप कर सकते हो। नॉन मूविंग आइटम्स, तो नॉन मूविंग आइटम्स का जानकारी प्राप्त करना जरूरी है हर बिजनेस में। जैसे ही आपका FMCG में बात करें, तो FMCG के अंदर भी ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ये बिजी में आपको मिलेगा। वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट, अगर एक प्रोडक्ट आपको 2-3 वेंडर से आ रहा होगा, अदरवाइज आपको वेंडर वाइज रिपोर्ट का जरूरत पड़ता है, वहां पे बैच नंबर के अनुसार आपको देखना जरूरत पड़ता है। XYZ वेंडर से कुछ माल आ गई, तो उसको XYZ वेंडर से क्या आइटम आ गया है, कौन से बैच नंबर का प्रोडक्ट आ गया है, वहां से आपको जानकारी मिलेगा, वहां से आपको रिपोर्ट मिलेगा। सेल्स रिपोर्ट विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सो पहले आपने डेटा एंट्री करा, कॉन्फिगरेशन करा, फिर डेटा एंट्री करा, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स करना पड़ता है। सो ये हर एक बिजनेस में ऐसा ही होता है। तो जैसे आपको बिजी को आप यूज करते हो, तो फाइनली आपको एनालिटिक्स रिपोर्ट्स मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का रिपोर्ट है वो,
तो उसपे आपको ये प्राप्त कर सकते हैं कि आइटम वाइज पार्टी वाइज कितनी सेल हुआ है क्वार्टरली मंथली, तो ये ग्राफिकली आपको पता चलता है। मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, अगर बिल वाइज प्रॉफिट चेक करना है, आइटम वाइज चेक करना है, पार्टी वाइज चेक करना है, नहीं तो आपको गोडाउन वाइज चेक करना है, सेल्समैन वाइज प्रॉफिट चेक करना है तो कर सकते हो। यूजर कॉन्फिगरेबल रिपोर्ट्स है यहाँ पर, और साथ साथ बारकोड क्यूआर कोड जनरेशन भी कर सकते हैं, बारकोड से स्कैन भी कर सकते हो, नहीं तो बारकोड डिजाइन करके उसके आइटम के ऊपर लगा सकते हो। जैसे कि आपको पता है आपने होलसेल रेट पे राइस खरीद लिया 25 kg बैग, तो उसको आप छोटा छोटा पैकेट बना दिया 2 kg का 3 kg का, और उसको आप 2 kg पैकेट के ऊपर बारकोड स्टिकर लगाना है आपका ब्रांड का नाम से हिसाब से, तो फिर उसको आप सेल कर सकते हो। ये जैसे आपको बारकोड डिजाइनिंग, आपको कैसे चाहिए, क्या डिजाइन का साइज है आपका बारकोड लेबल का, उस हिसाब से आप बना सकते हो। ऑलराइट, अब हम लेट अस सी द प्रैक्टिकल डेमो। अब हम प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं बिजी में। यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी को मैं ओपन करके रखी हूँ, FMCG का रिलेटेड है। तो इसमें आप देखिए मेरे ये जो कॉन्फ़िगरेशन पहला है, मैंने आपको ओपन करके दिखाऊंगा, ये जो कंट्रोल रूम है विजी का, यहाँ पर आपको क्या क्या एनेबल कर सकते हो इन्वेंट्री में। सबसे पहले अल्टरनेट यूनिट, ये वाली फीचर, साथ साथ स्कीम में हम एनेबल कर सकते हैं, ये भी रिक्वायरमेंट है आपको FMCG इंडस्ट्री में। बैच वाइज डिटेल्स फीचर, बैच वाइज डिटेल्स फीचर में आपको एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका वार्निंग, ये यहाँ से हम एनेबल कर सकते हैं। MRP वाइज डिटेल्स, प्री क्वांटिटी, सेल्स रिटर्न इन सेल वाउचर, ये वाली फीचर, परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर, ये वाली फीचर, और मल्टी गोडाउन एनेबल करना, तो यहाँ से हम कर सकते हैं मल्टी गोडाउन। साथ ही साथ आपको आइटम कैटेगरी भी एनेबल कर सकते हैं, मल्टीपल अलियास अगर चाहिए तो मल्टीपल अलियास भी एनेबल कर सकते हो। सो इतने सारे फीचर हम इन्वेंट्री में एनेबल करा है, जो कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट हो गई। उसके बाद आइटम मास्टर बना दिया है यहाँ पर, ये जो आइटम का लिस्ट है, हो सकता है कुछ आइटम के लिए बैच का मैनेजमेंट चाहिए, कुछ आइटम के लिए MRP मैनेजमेंट चाहिए, तो ऐसा करके आपको किस आइटम पर क्या चाहिए वो एनेबल आइटम मास्टर में कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर MRP वाइज डिटेल्स यस करेंगे तो MRP वाइज डिटेल्स मैनेज कर सकते हो, एक आइटम पे 2 MRP रख सकते हो। अगर बैच एनेबल करोगे तो फिर इस आइटम को आप एक्सपायरी एंड मैनेज कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये आइटम आप इस तरीके से क्रिएट करना है। आइटम में के अंदर आपने अलियास कोड बताया है, फिर वो आपको बारकोड रीड करने के लिए हेल्प करेगा, तो ये अलियास कोड मतलब बारकोड नंबर है, तो इसको स्कैन करने से ये नंबर वहां पे आइडेंटिफाई करेगा ये आइटम क्या है करके। ऑलराइट, तो इसका आइटम का प्राइस वगैरह हम बता सकते हैं, परचेज प्राइस, MRP, सेल प्राइस, सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। GST भी बताया है, और HSN कोड अगर आपको पता है तो यह HSN कोड यहाँ पे फिल करना है। तो ये हो गया आइटम मास्टर वगैरह। तो अगर इसके बाद में हम ट्रांजैक्शन एंट्री यहाँ से करनी है, सेल वाउचर एंट्री, पार्टी का नाम यहाँ पर आप देखिए कर्सर आपको ऑटोमेटिकली पार्टी नाम के पास आ रही है, क्योंकि हमने POS कॉन्फिगरेशन किया हुआ है। उस POS कॉन्फिगरेशन में हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं फोकस ऑफ द कर्सर। तो यहाँ पे पार्टी नाम ले लिया, फिर उसके बाद बिलिंग शिपिंग डिटेल्स यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं पार्टी के मोबाइल नंबर के साथ, क्योंकि मोबाइल नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि ये पार्टी अननोन कस्टमर है, अगर दोबारा वो नेक्स्ट टाइम आ जाती है फिर उनका मोबाइल नंबर से हम ऑल्ट क्यू करके पार्टी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम उनका मोबाइल नंबर बता के सर्च करने से सारे डिटेल्स यहाँ से पता चलता है। ठीक, फिर सेल्समैन को सेलेक्ट करा, फिर आइटम यहाँ पे आपको लिस्ट आएगा, तो किस आइटम को आप लेना है उस आइटम को मैन्युअली इस तरीके से ले सकते हैं। अगर मल्टी MRP का प्रोविजन आपने एनेबल करके रखी है डेटा के अंदर, तो आपको 2 MRP यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एग्जाम्पल आपने 40 रुपीज का सेल कर रहे हो, तो 40 रुपीज का MRP ले लीजिए, ताकि 40 रुपीज MRP यहाँ पे आ जाती है। अगर आपको बारकोड से रीड करना है, तो फिर आपको यहाँ से बारकोड से भी रीड कर सकते हो 00, तो इस तरीके से रीड कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली बारकोड वहाँ पे आइटम को आइडेंटिफाई कर देगा। तो आइटम का वो जो बारकोड वैल्यू हम अलियास कोड के अंदर बतानी है, फिर उसके बाद आपको बैच नंबर का प्रोविजन, बैच नंबर का फीचर इस आइटम के लिए एनेबल्ड है, तो फिर बैच बतानी पड़ता है, तो किस बैच का प्रोडक्ट है वो हम लेना है। इन केस वो वाली बैच नंबर एक्सपायरी हुआ है, तो फिर सॉफ्टवेयर आपको वार्निंग दे देगा कि इस बैच नंबर का आइटम एक्सपायर हुआ है इस डेट पे करके, तो फिर आप इस आइटम को सेल मत करना है, तो ये आपको वहां पे रुक जाती है। फिर अगेन इसको रिमूव कर सकते हैं F9 शॉर्टकट की प्रेस करके, दोबारा मैं कुछ दूसरा आइटम ले रहा हूँ,
देखिए दूसरा आइटम मैंने ले लिया, यहाँ पर मेरे को कोई बैच भी नहीं एनेबल है और साथ साथ एमआरपी का फीचर भी एनेबल नहीं है। एमआरपी का फीचर है लेकिन बैच एनेबल नहीं है, लेकिन सिंगल एमआरपी है रहेगा तो फिर आपको इस तरीके से ये वाली विंडो नहीं आएगा। मल्टी एमआरपी रहती है एक आइटम के लिए, तो मल्टी एमआरपी रहेगा तो फिर आपको ये विंडो आएगा। इनकेस मल्टी एमआरपी नहीं है ये वाली प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पे, तो फिर इसलिए आपको वो वाली विंडो डिस्प्ले नहीं होगा। अगर कुछ दूसरा आइटम ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए दूसरा आइटम मैंने ले लिया इस तरीके से, और आपको कुछ और आइटम लेते हैं ऑयल करके, ऑयल 5 लीटर। देखिए ऑयल 5 लीटर यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को है ना 5 कर देता हूँ। अगर कुछ स्कीम रहती है तो फिर स्कीम भी अप्लाई होगा यहाँ पर, आपको स्कीम अगर रहेगा तो फिर स्कीम अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। देखिए ऑयल 5 लीटर आपको यहाँ पर हमने सेल किया है, उसका प्राइस है 1000 रुपीज, कुछ डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो अगर स्कीम रहेगा तो यहाँ पर हाईलाइट रेड कलर में हाईलाइट हो जाती है। फिर मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने पर मैं आपको ये जो सेटलमेंट एंट्री विंडो आएगा इस पर आप देख सकते हो 4665.05 रुपीज है टोटल वैल्यू। अगर उन्होंने कस्टमर क्या करा फोन पे करा तो फिर हम यूपीआई में बताना पड़ेगा, इनके जो कार्ड पेमेंट से करा है तो फिर हम कार्ड पे यहाँ पर अमाउंट को बताना पड़ेगा। ऑल राइट, सो मैं फिर यहाँ पर क्या करूंगा, 4500 रुपीज कैश एंटर करा और 165.05 रुपीज में यूपीआई से करा। अब देखिए ये जो कैश टेंडर डिटेल्स में 5000 आप बताते हो तो फिर 500 रुपीज यहाँ पर चेंज वापस देना है ना, वो भी आ जाती है। अगर हम इस बिल को सेव करा तो एक्चुअली ये जो डेट हमने प्रॉपर नहीं डाला था, तो इसलिए देखिए स्कीम के बारे में मैं बता रहा था। स्कीम क्या होता है, डेट के हिसाब से होता है। अगर आपका डेट वैलिड नहीं रहती है, वो डेट मैच नहीं होगा तो स्कीम अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए स्कीम अप्लाई के लिए मेरे पास मैसेज आ रहा है, मल्टीपल स्कीम्स फाउंड फॉर वाउचर, सेलेक्ट विच स्कीम यू वॉन्ट टू अप्लाई। सो मैं आप यहाँ पर बताऊंगा कि स्पेसिफिक डिस्काउंट मैं बता दूंगा, फिर अप्लाई स्कीम करूंगा, स्कीम अप्लाई हो जाती है, ठीक है। फिर यहां से आपको प्रिंटआउट आपको इस तरीके से मिलेगा, प्रिंट करने से 3 इंच पेपर पे प्रिंट करना है, 4 इंच पर करना है, आपको जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है वो कस्टमाइज करके प्रिंट करा सकते हो। ये हो गया 3 इंच का पेपर। यहाँ से अगर कस्टमर को प्रिंट को व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, एसएमएस करना है, तो वो भी आप कर पाओगे। अगर A4 का प्रिंट करना है तो फिर यहाँ से आपको A4 साइज पे फुल पेज पे प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए A4 साइज का पेपर इस तरीके से प्रिंट होगा, लोगो लगा सकते हैं, QR कोड भी आएगा, इसको स्कैन करके पेमेंट हम करेंगे। अगर ईवे बिल इनवॉइसिंग जनरेट करना हो तो वो भी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्कीम के बात कर रहा था, स्कीम ऐसा एक ब्यूटीफुल फीचर है तो इसको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब मेरे पास कुछ स्कीम बनाया गया है, उसको मैं दिखाऊंगा। प्राइस ड्रॉप बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन का दिखाऊंगा। तो बाय वन गेट वन का इस वाली स्कीम है, वो स्पेसिफिक डेट बताया गया है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च तक। तो इसमें हम क्या आइटम दे रहे हैं, रिफाइंड करके एक आइटम दे रहे हैं, तो उस आइटम को लेके एक बिल बनाते हैं। ये आइटम ऑटोमेटिकली रेड कलर में इंडिकेट होता है, इसलिए क्योंकि स्कीम अप्लाई हुई है, बाय वन गेट वन का स्कीम अप्लाई हुई है। लेकिन यहाँ पर हम ये बात को ध्यान रखनी है, डेट जरूर ध्यान रखनी है, किस डेट पे हम स्कीम को डिफाइन किया है। अगर वो डेट मैच होता है तभी वो वहां पे अप्लाई होगा, अदरवाइज वो स्कीम अप्लाई नहीं होगा। सो ये स्कीम आपको इस तरीके से अप्लाई हो जाता है रिटेल यहाँ पर आओगे को रिपोर्टिंग की तरफ मुकर करेंगे। रिपोर्ट के अंदर आपको स्टॉक स्टेटस यहाँ से जान सकते हो, किस मटेरियल सेंटर पे स्टॉक कितनी है करके, वन बाय वन मटेरियल सेंटर का स्टॉक भी चेक कर पाओगे। ये आप देख सकते हैं स्टॉक इस मटेरियल सेंटर में इतनी स्टॉक है, अभी मैं ऑल लिया हूँ। इन केस मेरे को सिर्फ स्टॉक पॉइंट वन का लेना है तो स्टॉक पॉइंट वन करके लेके मैं
मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अभी कोई स्टॉक नहीं है इसमें, मेन स्टोर में देख लेते हैं, मेन स्टोर में इतनी स्टॉक है। अगर इसका वैल्यू भी देखना चाहिए फिर यहाँ पर वैल्यू ऑफ द आइटम्स यस करना है, तो फिर आपको एक लास्ट कॉलम पर वैल्यू भी आ जाएगा, वैल्यू भी यहाँ पर शो करेगा। इसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो फिर गूगल शीट एक्सेल पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीडीएफ में भी हो जाता है। साथ साथ आपको यहाँ पर कमीशन कैलकुलेशन का रिपोर्ट चेक करना है एक सेल्समैन का, एंड ऑफ द डे उनका कितना कमीशन हम प्रोवाइड करना है। हमने तो उनको प्रॉमिस किया था कि आपने इतना सेल करके दे दो तो मैं इसको आपको इतना कमीशन दे दूंगा, तो फिर उस हिसाब से आपको एक सेल्समैन का नाम को लेके कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे देखिए 996 रुपीज कमीशन का वैल्यू शो कर रहा है। सो यहाँ से आपको F4 करके जर्नल वाउचर, ये जो कमीशन का वैल्यू हमारा जो कंपनी का एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस एंट्री के लिए एक जर्नल वाउचर यहाँ से हम ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर सकते हैं और पोस्टिंग कर सकते हैं जस्ट प्रेसिंग F4 बटन। सैलरी ये फो पोस्ट हो चुका है इसलिए, तो ये कमीशन का हो गई। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कोटेशन का भी है, अगर आपका FMCG का डिस्ट्रीब्यूटर हो फिर सेल कोटेशन और सेल ऑर्डर एंट्री करके उसको आप सेल्स पे एडजस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल किसी भी कस्टमर को आपने सेल कोटेशन दे दिया और ऑर्डर दे दिया, ये जो आपका पार्टी है, एक आइटम हमने यहाँ पर लेते हैं, क्वांटिटी एंट्री करेंगे, प्राइस तो अपने आप आ जाती है, इनकेस चेंज करना हो प्राइस को फिर हम चेंज कर पाएंगे। कोटेशन एंट्री को हमने करा फिर उसको हम सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं और ऑर्डर पर एडजस्ट कर सकते हैं। कोटेशन यहाँ पर आपको F11 की प्रेस करने पर कोटेशन आ जाता है, पेंडिंग कोटेशंस। मल्टीपल कोटेशंस को हम एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं एक इनवॉइस पे, नहीं तो सिंगल सिंगल कोटेशंस को लेके एक इनवॉइस पे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कोटेशन से इनवॉइस कन्वर्शन और कोटेशन से ऑर्डर कन्वर्शन कर सकते हैं। इसके बाद कोई पेंडिंग कोटेशंस का क्वांटिटी रहेगा वो यहाँ पर दिख जाता है, पेंडिंग कोटेशन आइटम वाइज और पार्टी वाइज। पार्टी वाइज आपको चेक करना हो तो यहाँ पर आके डेट बतानी है कब से कब तक, फिर पार्टी वाइज आपको इतना क्वांटिटी पेंडिंग है, 1000 क्वांटिटी पेंडिंग है करके पार्टी के नाम के साथ क्वांटिटी भी शो करेगा। इसी तरीके से पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ से आपको स्टेटमेंट मिलेगा पेंडिंग ऑर्डर कितनी है वो जानना हो तो। अभी कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, इनकेस रहेगा तो फिर वैल्यू वहां पे दिखेगा। इसी तरीके से बैच का रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होती है कि कितनी बैच आपको बैच नंबर के साथ रिपोर्ट देखना है, बैच वाइज स्टॉक देखना है एंट्री लेवल पे और समरी लेवल पे, तो आप यहां से चेक कर पाओगे। डेट बतानी है फ्रॉम डेट एंड टू डेट, फिर इसको हम ओके करते हुए तो आपके सामने आइटम के नाम, यूनिट, पार्टी नेम, मटेरियल सेंटर, बैच नंबर भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर हम बताया है वो भी आ जाती है, एक्सपायरी डेट भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आती है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट कहाँ पर बताना है, वो भी मैं दिखा दूंगा। एग्जाम्पल इस वाली एंट्री को मैं ओपन करूंगा, ये जो परचेज एंट्री है हमारा, इस वाली परचेज एंट्री पर हम परचेज एंट्री करते हुए अगर मल्टी MRP का प्रोडक्ट है तो इस तरीके से MRP हम बता सकते हैं। ये जो MRP का विंडो आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि हम आइटम मास्टर्स के अंदर MRP वाइज डिटेल्स एनेबल करी है, तो इसलिए वो आ रहा है। अगर हम बैच एनेबल करी है फिर बैच के केस में ये वाली विंडो अपियर होगा, बैच डिटेल एंट्री विंडो। यहाँ पर हम बताना है क्या बैच नंबर है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट अपने आप कैलकुलेट करेगा एंट्री पे, कैसे कैलकुलेट करेगा, ये जो हम आइटम मास्टर्स के अंदर एक्सपायरी डेट बताया है, ये देखिए एक्सपायरी डेज मान लीजिए हमने 500 डेज बताया है, फिर वो परचेज एंट्री के समय पे हम मैन्युफैक्चरिंग डेट बताया तो एक्सपायरी डेट अपने आप वो कैलकुलेट कर देगा सॉफ्टवेयर, हम कुछ कैलकुलेट मैन्युअली नहीं करेंगे। साथ साथ आपको इस प्रोडक्ट के लिए क्या मैनेज करना है, एक्सपायरी करना है क्या, मैन्युफैक्चरिंग करना है क्या, दोनों करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर यहाँ पे बोथ करके बताओगे फिर आपको
एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग दोनों एक आइटम के लिए मैनेज कर सकते हैं और उसको रख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमने सेम आइटम दोबारा लेते हो ना, तो फिर हमारे पास ये जो विंडो अपियर होगा, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर पहले बताया, मैन्युफैक्चरिंग डेट बताया। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग है 26/3/2023। फिर ये एक्सपायरी डेट अपने आप कैलकुलेट करेगा क्योंकि हमने 500 करके बताया था, इसलिए। सो इस तरीके से बैच का रिपोर्ट बिजी में मिलेगा। सिमिलरली आपको अगर एक्सपायरी बैचेस चेक करना हो तो यहाँ से एक्सपायरी बैचेस भी देख सकते हैं टिल डेट और डेट रेंज के अनुसार कितनी एक्सपायरी है, तो आपको जानकारी यहाँ से मिलेगा। उस एक्सपायरी को दोबारा कंपनी को आप बेच सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। एमआरपी का भी रिपोर्ट अवेलेबल है, एक गोडाउन का देखना है नहीं तो ऑल गोडाउन का भी देखना है, तो फिर हम यहाँ पे आपको एमआरपी वाइज स्टॉक डिटेल्स मिलेगा, आइटम के नाम के साथ मिलेगा। इस प्रोडक्ट का एमआरपी 30 रुपीज का भी है, 40 रुपीज का भी है। यदि आपको यहाँ पर कुछ इन्वेंट्री समरी में भी कुछ रिपोर्ट में कास्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा, जैसे कि मिनिमम मैक्सिमम लेवल्स, अगर आपके पास किस आइटम मिनिमम है, कौन सी आइटम मैक्सिमम आइटम है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो मिनिमम लेवल मैक्सिमम यहाँ से आपको पता चलता है, लेकिन अभी तो डेटा हैवी है तो इसलिए वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। एक शॉर्ट रेंज पे देख लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम लेवल इतनी है इस डेट पे, मैक्सिमम लेवल इतनी है इस डेट पे, ऐसा करके आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों लेवल एक ही स्क्रीन में पता चलता है। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको यहाँ पर और भी रिपोर्ट है अनमूव्ड आइटम्स का, ये भी जरूर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। अनमूव्ड आइटम्स कौन सी है, तो ये आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन केस वो अनमूव्ड है तो उसको थोड़ा सा ऑफर ज्यादा आप दे सकते हो तो कस्टमर वो खरीद लेगा। तो देख सकते हैं दो आइटम यहाँ पे अनमूव्ड आइटम्स है, राइट। सो ये भी जानकारी यहाँ से मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट का स्टेटमेंट देखना है, कितनी डिस्काउंट आप कस्टमर्स को दिया है, उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। कौन सी बिल में किस पार्टी को कितना डिस्काउंट दिया है, परसेंटेज दिया है क्या, कितनी वैल्यू का दिया है, वो सब कुछ यहाँ से पता चलता है। और आइटम क्रिटिकल लेवल पे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन पहले बताया था, तो यहाँ पर मिनिमम लेवल का रिपोर्ट मिलती है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, जैसे कि आपको एक एक गोडाउन का अलग अलग से देख पाओगे, नहीं तो ऑल गोडाउन का भी एक साथ चेक कर पाओगे। ये जो रिपोर्ट के अंदर आपको मिनिमम, करंट स्टॉक, शॉर्टेज तीनों विजिबल होगा, तो एक सिंगल स्क्रीन में आपको एक सिंपल तरीके से इस रिपोर्ट मिल जाती है, ताकि आपको ये पता चलता है कि मैं कुछ ऑर्डर प्लेस करना है क्या। इन केस आपको देखिए मिनिमम लेवल 100 है, करंट स्टॉक 0 है, शॉर्टेज 100 है, तो यहाँ से F4 करके परचेज ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। यदि आपको परसेंटेज 50% का स्टॉक परचेज करना है तो परसेंटेज बता सकते हो 50, नहीं तो 100, फुल फुल आइटम परचेज करना है, टोटल 100 आइटम्स तो 100 क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी 100% बता के उसको परचेज ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सिमिलरली मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल का रिपोर्ट भी मिलेगा, फ्री क्वांटिटी। अगर कोई भी कस्टमर और कोई भी आइटम आपको, किसी भी कस्टमर को और किसी आइटम आपने फ्री में दिया है, उसका रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। आपको वेंडर वाइज स्टॉक चेक करना है, वेंडर वाइज स्टॉक चेक करना है, सो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस वेंडर का इस आइटम इतनी क्वांटिटी मेरे पास स्टॉक है, ये वाली वेंडर का ये क्वांटिटी मेरे पास इतनी स्टॉक है, जैसे करके आपको हर एक वेंडर वाइज रिपोर्ट मिलेगा। यदि आपको बैच वाइज चेक करना हो तो फिर आपको बैच वाइज का रिपोर्ट भी मिलेगा। ये आप देख सकते हो पार्टी का नाम, आइटम का नाम, बैच नंबर के साथ ओपनिंग क्वांटिटी, इनवर्ड क्वांटिटी, आउटवर्ड क्वांटिटी, प्रॉफिट, जीपी रेशियो, सब जानकारी आपको वेंडर वाइज बैच वाइज इसी रिपोर्ट में आ जाएगा। राइट, सिमिलरली आपको प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखना है तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का रिपोर्ट है, बिल वाइज, पार्टी वाइज, गोडाउन वाइज, सेल्समैन वाइज, सो आपको कैसे चाहिए वैसे रिपोर्ट को जनरेट कर पाओगे। इसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट का वैल्यू दोनों मिल जाता है, कॉस्ट अमाउंट माइनस सेल अमाउंट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्रॉफिट अमाउंट। तो परसेंटेज आप देख सकते हो 31.27।
सो सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको आइटम वाइज, पार्टी वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप वाइज हर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं. एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, तो यहाँ पर आपको मिलेगा. सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफिकल इंटरफेस इंटरफेस का कुछ रिपोर्ट चाहिए, ग्राफिकली आपको देखना है तो आपको ग्राफिकली भी देख सकते हो यहाँ पर, आपको सेल्स एनालिसिस में जाके आइटम वाइज देखना है. यदि पार्टी वाइज एनालिसिस करना है तो कैसे चाहिए आपको वैसे एनालिसिस कर सकते हैं. ग्राफिकली आपको रिपोर्ट बिजी में मिल जाता है. यहाँ से आपको आइटम का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा करके आइटम का नाम भी चेंजेस कर सकते हैं, तो ताकि आपको वो रिपोर्ट वहां पे डिस्प्ले होगा. और साथ साथ आपको इन्वेंटरी बुक्स के अंदर डे बुक रिपोर्ट, स्टॉक लेजर, इन्वेंटरी रजिस्टर में सेल रजिस्टर, रिटर्न रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सब कुछ मिलेगा. ये सारे हो गई आपका रिपोर्टिंग साइड पे. रिपोर्टिंग में आपका इन्वेंटरी, अकाउंटिंग, जीएसटी, सब कुछ रिपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है. अगर आपको स्कीम के रिलेटेड वो भी देख सकते हो, स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. सो यहाँ पर किस स्कीम आप कितनी दिया हुआ है, डेट के अनुसार आप चेक कर पाएंगे. सो ये वाली बिल पे मैंने ये वाली स्कीम दिया था, उसका स्कीम का क्या कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंट कितना दिया था और क्या फ्री में दिया था, क्या वो सब कुछ यहाँ से आपको एक ही स्क्रीन में दिख जाती है. ऑलराइट, सो बारकोड के बारे में भी बताना चाहूंगा. बारकोड अगर आपको जनरेट करना है और प्रिंट करना है, दोनों कर सकते हो. बारकोड का डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन का विंडो है, आपका साइज के अनुसार, मतलब वो लेबल साइज के अनुसार इसको आपको डिजाइन भी कर सकते हैं, नए नए फील्ड भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपको डेटा फील्ड लगाना है, बारकोड लगाना है, कुछ डेटा फील्ड लगाना है, क्यूआर कोड लगाना है, कुछ भी है, तो यहाँ से आप डिजाइन करके उसको प्रिंट करके आइटम के ऊपर लगा सकते हो. लेबल प्रिंटिंग का ऑप्शन भी है. लेबल प्रिंटिंग मतलब आइटम के ऊपर कुछ लेबल लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं. ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक. सो आशा करता हूँ इस टॉपिक के ऊपर आपको ये सब कुछ पॉइंट क्लियर हुआ है. इसको लेके आप आपका एफएमसीजी इंडस्ट्री के बिजनेस और भी तेजी से आगे बढ़ सकते हो. सो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट मैंने आपको दिखाया था, आप भी ट्राई कर सकते हो इस रिपोर्ट को लेके, एनालिसिस कर सकते हो आपका बिजनेस को. जैसे अगर आपको कोई क्वेरी रहती है इन केस, तो आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं फॉर फर्दर असिस्टेंस. 24x7 हेल्प डेस्क नंबर है ये. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडेस वेबिनार सेशन. सो अब हमारा क्वेरी सेशन का समय है, तो अगर किसी को कोई क्वेरी है तो इस पॉइंट्स को लेके तो आप पूछ सकते हो. ओके, गोपाल एजेंसी सर, आपने हैंड रेज किया है. सो आई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पुट अ मैसेज इन अ चैट बॉक्स. सो क्योंकि आपको मैं यहाँ से मतलब अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है. तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, ताकि मैं आपका जवाब को आंसर दूंगा, क्वेश्चन को आंसर दूंगा. इसी तरीके से हरिचंद सर, आप भी मेरे को राइज हैंड किया है, तो आप पूछ सकते हो सर चैट बॉक्स में. और आंसर आप भी पूछ सकते हो. एंट्री करते समय आइटम का परचेज प्राइस कैसे चेक करें? गुड क्वेश्चन सर, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एफएमसीजी इंडस्ट्री. सो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होती है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप इनेबल करिए. यहाँ पर आइटम लेना है, फिर राइट साइड में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ फील्ड्स इन ड्रॉप डाउन. सो तीन फील्ड मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं. पहला फील्ड मैंने बताया कि यहाँ पर परचेज प्राइस, पहला फील्ड मैंने बताऊंगा परचेज प्राइस. दूसरा फील्ड है सेल प्राइस, कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे फील्ड है यहाँ पर, आपके रिक्वायरमेंट कैसे है वैसे सेलेक्ट करिए. तीसरा है एमआरपी. सो तीन फील्ड मैंने बता के इसको सेव कर दिया. उसके बाद एक बार रीजेनरेट मास्टर फाइल रन होता है या अपने आप हो जाता है, जस्ट आप एंटर प्रेस करनी है.
क्योंकि वो सेटिंग्स हम करने के बाद ये नहीं रन होता ना, फिर वो इम्पैक्ट नहीं होता है, तो इसलिए रन करना जरूरी है। लेकिन आपका आइटम मास्टर ज्यादा होती है, थोड़ा सा समय लगता है कंप्लीशन के लिए, थोड़ा वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसैक्शंस पे सेल एंट्री एंट्री करोगे बिजी में, तो ड्रॉप डाउन आता है वहां पे। इस ड्रॉप डाउन में आपको ये आता है कि आइटम के नाम, परचेज प्राइस, सेकंड इंफॉर्मेशन वो आपका सेल प्राइस है, थर्ड है एमआरपी। यहाँ पर परचेज प्राइस 0 आ रही है। 0 इसलिए आ रही है क्योंकि हमने परचेज प्राइस आइटम मास्टर में डिफाइन नहीं कर रहे। अब इसको मैं क्या करूंगा, 40 रुपीज करूंगा। अब यहाँ पर देखिए डाल 40 रुपीज करके मैंने डिफाइन किया था, वो पहली कॉलम पे आ रहा है। उसके बाद 53 इज अ सेल प्राइस, 58 इज अ एमआरपी। ऐसे आपने मैनेज कर सकते हो। ऑल राइट, ड्रॉप डाउन सेटिंग्स को एनेबल करनी है। वी आर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर, वी वांट डिलीवरी प्रोसेस फॉर बिल्स मेड बाय अस, सो दैट इज कॉल्ड आई थिंक वैन लोडिंग शीट, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो दैट यू कैन मैनेज सर, आप उसको कर सकते हैं बिजी में। आपको पता है समरी रिपोर्ट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप आओगे, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री रजिस्टर्स, सेल्स रजिस्टर्स, इस पर आके आप समरी लगा दीजिए। आज के दिन आपने 50 नंबर ऑफ इनवॉइसेस करा, लेकिन उस 50 नंबर ऑफ इनवॉइसेस पे आपको वैन के अंदर लोड करने के लिए इस वाली रिपोर्ट यूज होता है, तो इसके लिए समरी कर सकते हो। समरी के अंदर यहाँ पर आइटम डिटेल्स, ऑटो समरी, समराइज इट, तब आपको ये पता चलेगा। ऑरेंज जाम 500 ग्राम्स, 2 क्वांटिटी लोड करना है। मिक्सड फ्रूट जाम 3 क्वांटिटी, ऑरेंज जाम 1 kg 3 क्वांटिटी, मतलब एक कंसोलिडेट हो जाता है। एक ही आइटम मल्टीपल टाइम्स अगर रहती है तो सारे कंसोलिडेट होके एक फिगर यहाँ पर मिल जाती है, 72 करके, सारे कस्टमर का मिलके। बाद में आप गाड़ी में लोड करके बाद में कस्टमर के पेज पे जाके उसको डिलीवर करोगे ना, तो फिर उनका इंडिविजुअल बिल होती है, तो उसको देख के आप उसको डिलीवर कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट हम आज कवर क्यों नहीं किया था, मीन्स हमने एफएमसीजी रिटेल के बारे में आज कॉन्सेंट्रेट करा था, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आज नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको आपको ये नहीं बताया। वी वॉन्ट टू डिलीवरी प्रोसेस ऑफ इनवॉइसेस मेड बाय अस एज वी आर एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक दिस आंसर, दिस क्वेश्चन आई आई वॉज आंसर्ड जस्ट नाउ सर। तो ये जो हमारा रिपोर्ट था ना, समरी करके आप लगा सकते हो, तब कंसोलिडेट हो जाता है। सेम आइटम मल्टीपल इनवॉइस पे रहती है तो फिर कंसोलिडेट वैल्यू वहां पे मिल जाती है, ठीक है? बट परचेज प्राइस इज वेरिएबल फॉर एवरी ट्रांसैक्शंस। अच्छा, आप कह रहे हो कि एक आइटम का परचेज प्राइस ईच एंड एवरी टाइम वेरी होता है, लेकिन मेरे को वो वाली देखना है, ऐसा करके कह रहे हो, तो फिर आपने ये यूज कर सकते हैं बैच इंफॉर्मेशन। तो तब आपको हर बार अलग अलग परचेज प्राइस पे लैंड होती है ना, तो एक एक अलग अलग बैच नंबर उसको रख लीजिए, बैच नंबर रख लीजिए, फिर यूज कर सकते हैं। नहीं तो एमआरपी वाइज भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, ये जो फीचर है ना इन्वेंटरी पे, बैच और एमआरपी वाइज डिटेल्स, इस पर जाके ग्रुप वाइज स्टॉक सेल प्राइस अलोंग विथ एमआरपी, ये होता है सेल प्राइस, बैच बैच रख सकते हो आप, मेंटेन बैच नरेशन, ठीक है? बैच एनेबल कीजिए सर। एमआरपी में क्या होता है, वहां पर सेल प्राइस हम बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये आइटम मैंने ले लिया, यहाँ पर ये जो एमआरपी वाइज डिटेल्स का फीचर है, तो अगर ये एनेबल करते हो एमआरपी सेल प्राइस मैनेज कर पाओगे। लेकिन आपका क्वेरी है तो मेरे को हर बार अलग अलग प्राइस पे लैंड होता है आइटम, कौन परचेज होता है, तो उसको कैसे मैनेज करें, तो फिर आप बैच को एनेबल करके, है ना, तो यहाँ पर बैच को एनेबल करने से ये वाली फीचर बैच, है ना, एनेबल कीजिए, ठीक है?
दाल चना 1 kg। ठीक अब आपको यहाँ पर बैच नंबर आ गई, लेकिन परचेज रेट सेल रेट नहीं आ रहा है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। सेल प्राइस, एमआरपी, स्टॉक, इसमें भी आपको परचेज प्राइस का फीचर और इसमें खैर नहीं, उस पैरामीटर में आती है, पैरामीटर फीचर में, लेकिन इसमें आपको नहीं आती चॉइस। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आपने 100 रुपीज़ पे परचेज करा, मान लीजिए सेम आइटम दोबारा दूसरे एमआरपी पे, दूसरे परचेज प्राइस पे आ गई, यहाँ पर भी एंट्री करके दिखाऊंगा, 2 पीस आ गई, उसका बैच नंबर है 003 और उसका परचेज प्राइस यहाँ पर बताइए 200 रुपीज़। पहला वाला सेम आइटम है, इसका परचेज कॉस्ट 100 है, सेकेंड टाइम सेम आइटम है, इसका परचेज कॉस्ट 200 है, तो इसका इंटरनल वो जो डिटेल्स होती है, बैच नंबर वगैरह, वो तो इस वाले विंडो पे बता दीजिए, इसका एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सेल प्राइस, सारे यहाँ पे बताइए। ऐसा आप कर सकते हो, अगर इन केस आपको ये कुछ क्वेरी प्रॉब्लम होती है, एक बार करके देखिए तो, और उसके बाद हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? अगर इन केस आपको ये समझ में नहीं आया है, करना नहीं पा रहा है, एक बार कॉल करके बताए बात कीजिए, तो हम आपको कुछ और सॉल्यूशन चेक करके बताएंगे, ठीक है? लास्ट परचेज का प्राइस चाहिए, लास्ट परचेज का प्राइस, आप ये और भी, ये भी सेम क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ना, पार्टी डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स में, एनेबल पार्टी डैशबोर्ड, ठीक है, इसको एनेबल कीजिए, एक सेकेंड, ये सेव हो रहा है, यहाँ पर ये वाली विंडो अपियर होगा पार्टी डैशबोर्ड का, तो किस सीरीज में चाहिए, किस वाउचर टाइप में चाहिए, कौन से यूजर के लिए चाहिए, और आपको ड्यूरिंग डेटा एंट्री ये अपियर होना है क्या, यस करके मेंशन करके सेव करना है, तब हर बार आप इसको वाउचर एंट्री करते हो उस पार्टी का नाम लेके, फिर वहां पर एक विंडो अपियर होता है इस तरीके से, मैं दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल, एक बिल बनाते हो किसी भी पार्टी का, यहाँ पर आपको मैंने सेल्स में किया था, परचेज में नहीं है, सेल्स में कर दिया था, ये वाली है ना, शो लास्ट ट्रांसैक्शंस ड्यूरिंग परचेज, इसको एनेबल करने से प्रीवियस 99 ट्रांजेक्शन्स आपको वहां पर दिखेगा, उस पर आप सेलेक्ट कर पाओगे कौन से बिल पे आपको देखना है परचेज रेट, वो देख सकता है, देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसी बिल के अंदर मैं ओपन किया, आइटम सेलेक्ट करा, देखिए यहाँ पर अगर ट्रांजेक्शन होता है यहाँ पर दिखेगा लास्ट प्राइस कितना है करके, ये भी आप देख सकते हो। बाटी डैशबोर्ड आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला आप यूज करिए, ठीक है? इन्वेंट्री में सेल्समैन का नाम आएगा, हाँ आएगा, इन्वेंट्री पे आपको दो तरीके से मैनेज कर सकते हो, एक तो आइटम लेवल पे सेल्समैन रख सकते हो, दूसरी है वाउचर लेवल पे। आइटम लेवल पे मतलब मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, पहले फ्लोर पे आपका कुछ आइटम खरीद लेगा, तो उस सेल्समैन के नाम पे वो वाली सेल्स एड होता है,
सेकेंड फ्लोर में जाके कुछ आइटम खरीद लेगा, तो वो वाली सेल्स दूसरे सेल्समैन के नाम पे ऐड होता है। इसको हम कहते हैं आइटम लेवल पे सेल्समैन रखना। वाउचर लेवल मतलब अगर आप 10-15 आइटम खरीद लोगे तो सारे आइटम्स का वो जो सेल फिगर होती है उसका वो जो कमीशंस और उसका वो जो सेल्स एक सेल्समैन का नाम पे अलोकेट होता है, ठीक है। बट एट सर्टन टाइम्स देर आर स्कीम्स एंड ऑफर्स फ्रॉम कंपनीज, देन हाउ हुई असर्टेन द एग्जैक्ट परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ एंट्री। आप है ना सर, एक बार हमसे बात कीजिए, तो कस्टमर डेस्क से बात कीजिए, तो इसको थोड़ा सा डिटेल हम बात करते हैं, ठीक है। आपका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार हमसे बात करिए सर, ठीक है। सो बैच नंबर के लिए आपको मैंने एक ऑप्शन दिखाया था, उसके बारे में आप बता रहे हो ना, ठीक है। बैच वाइज आपको मैंने दिखाया था कि एक आइटम ले लिया, फिर वहाँ पे सेल प्राइस MRP एंट्री करा, फिर बाहर मैंने आके बैच नंबर का परचेज प्राइस बताया, उसके बारे में आप बोल रहे हो, ठीक है। अगर आपको बैच वाइज परचेज प्राइस एंटर करने का प्रोविजन चाहिए, फिर आपको एक फीडबैक एंटर देना पड़ता है सर हमारे टीम से, ठीक है। ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप फीडबैक दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये ऑप्शन है। इन्वेंट्री में सेल्समैन नेम कहाँ आएगा? इन्वेंट्री में सेल्समैन नेम सर आपको बिल सेव करने पर, पहले सेल्समैन का फीचर एनेबल करेंगे, उसके बाद ये डिफाइन करना है किस वाउचर टाइप में चाहिए, सेल में चाहिए, परचेस में चाहिए, और पेमेंट में चाहिए, रिसीप्ट में चाहिए, फिर उसके बाद वाउचर लेवल पे चाहिए, आइटम लेवल पे चाहिए। सो वाउचर लेवल पे अगर आप एंटर करोगे ना, तो वाउचर लेवल पे काम करता है। फिर उसके बाद कमीशन आपको पार्टी मास्टर में भी डिफाइन कर सकते हैं, सेल्समैन मास्टर में भी डिफाइन कर सकोगे, नहीं तो यहाँ पर भी बता सकते हैं, डिफॉल्ट हो बता सकते हैं, 10% कमीशन उनको देना है करके। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद मास्टर में जाके यहाँ पर आपको सेल्समैन मिल जाता है, ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल अरुण करके एक सेल्समैन है, इनके नाम पे आपको उनका सारे डिटेल्स फिल कर सकोगे यहाँ पे, और कमीशन आपको, कमीशन के लिए अरुण के लिए स्पेसिफिकली एक अकाउंट का हेड भी बना सकते हो, अरुण कमीशन अकाउंट, और उसको यहाँ पर टैग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया। उसके बाद अगर आप सेल वाउचर एंट्री करते हो बिजी में, तो सेल्समैन का सिलेक्शन विंडो अपियर होता है यहाँ पर, देखिए अरुण करके आ गई, ये POS में हो गई। अगर स्टैंडर्ड के बात करिए, स्टैंडर्ड में आपको बिल सेव करने के वक्त सेल्समैन का विंडो आता है, बिल सेव करने पर सेल्समैन का विंडो आता है, लेकिन POS में आपको ऊपर हेडर में सेल्समैन सिलेक्शन का विंडो आती है। ऑलराइट, सो आई थिंक ऑल द क्वेरीज हैज बीन क्लियर, ठीक है। फिर हम आज का सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर लेते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस टुडेज ट्रेनिंग एंड टुडेज वेबिनार। आई होप यू ऑल आर एंजॉयड द सेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, फील फ्री टू कॉल कॉल टू अवर कस्टमर केयर हेल्पलाइन। सो हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी वीकेंड।